अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनीलाज डाइनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बेसन वाले नान की रेसिपी। दो दिन से बारिश की वजह से लाहौर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। बारिश के मौसम में बेसन वाले नान का तो अपना ही मज़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसन वाला नान बनाने के लिए मैंने आलूओं को इस तरह से कट किया है जिस तरह से आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाते वक्त आलू को कट करते हैं, और ये चंद मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे, और फिर हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके अपना बेसन वाला नान तैयार करेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ की तरह के आलू कट करने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे तो एक इसको बड़े शौक से खा लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। झटपट से ये 5 मिनट में रेडी हो जाता है नान। आप इसे चाहें तो टी टाइम में भी बना सकते हैं, चाहें तो लंच टाइम में, चाहें तो डिनर टाइम में, किसी भी टाइम आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बाउल में आलू डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबित सूखा धनिया भी डाल देंगे, और अब इसके अंदर जाएगा सब्ज़ धनिया, और ये हैं सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। 6 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, और अब इसमें पानी ऐड करेंगे, और बैटर को हमने ज़्यादा थिक नहीं करना। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके हम नान के ऊपर सेट कर लेंगे इस तरह से। आलू इस तरह से सेट करके हम बेसन को इसके किनारों पे ऐसे ब्रश की मदद से लगा देंगे। ये जो हम बेसन की लेयर जो लगा रहे हैं, इस कोटिंग को हमने ज़्यादा थिक नहीं करना, इसलिए मैंने ब्रश की मदद से इसको हल्का हल्का लगा दिया है। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इस तरह चम्मच की मदद से मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी। ऑयल में डालते वक्त कुछ आलू जो ऑयल में गिर गए हैं, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये खुद ही इसके साथ सेट हो जाएंगे। हल्का हल्का मैं साथ साथ इसको हिलाती रही हूँ, तो 5 मिनट्स में ये रेडी हो गया है। अक्सर लोग इसकी दोनों साइडों पर ही बेसन लगा देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि फिर दोनों साइड से ही हमें उसे फ्राई करना पड़ता है, तो वो फिर बहुत ऑयल अंदर अपने जो है जज्ब कर लेता है, और फिर बहुत हैवी भी होता है, और इतना ऑयल तो आपको पता सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ है। तो ऐसा नान जो है वो बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। अब आप इसे पुदीने की चटनी के साथ या प्लेन योगर्ट या रायता, जो भी आप लाइक करते हैं, उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही झटपट 5 मिनट्स में ये बन के रेडी हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए हमेशा की तरह एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी दे दिया करो, और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।